ये क्या है? ये पानी है सर, पानी जम गया। ये पानी पूरा जम गया? जम गया सर। तो और पानी है नहीं है हमारे पास? ये फ्लश है और ये फ्लश का पानी जो है नीचे जम गया है। ये बकेट में पानी रखा था, ये जम गया। तो एक बार आग के पास चलते हैं, यहाँ बात करते हैं। पागल है, मतलब हम पागल है। अच्छा, गरम गरम दाल, ये गरम सब्जी। ये भैया का किचन है, ऑलमोस्ट सारे सामान जो भी है वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे नॉर्मली घरों में रखा होता है। हमारे किचन में जैसा जिस तरह का चीजें होती है सारी जमा हुआ। हाँ, वो तो जमा हुआ है सब कुछ। पोटी पाटी यानी पोटी होगी ब्रिज के नीचे, ब्रिज के नीचे वहाँ करे खुले में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड टू टाइगर। काजा पहुंच गए थे हम, होटल के अंदर एंटर नहीं किया था, वहाँ हमने लास्ट एपिसोड हमने ख़त्म किया था। अभी हमें होटल के जो स्टाफ है, होटल के हमारे जो भैया है, वो हमें एक्सट्रीम कंडीशंस कुछ दिखा रहे हैं। आओ हमें वो, हम वो देखते हैं और वो आपको भी दिखाते हैं। हाँ भैया, क्या दिखा रहे हो बताओ? हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये पानी है सर, पानी जम गया। ये पानी पूरा जम गया? जम गया सर। तो और पानी है नहीं है हमारे पास? ये देखो, इसको हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, ये आपका किचन है? गैस पे ही गरम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गैस पे। जो भी गरम कर रहे हो गैस पे गरम कर रहे हो? गैस पे गरम हो रहा है। ये आपका किचन है? इसके बाद। अच्छा, मैं आपका किचन भी देखना चाहूँगा थोड़ी देर में। ओके। कैसे खाना बनाते हो, क्या करते हो? और ये क्या मतलब रिसेप्शन एरिया क्या है, मतलब कुछ भी है? अभी रिसेप्शन रेस्टोरेंट सर, ये ही है जो है, सब कुछ यही है। चलो वेरी गुड। क्लोजिंग चली थी, सब सब कुछ क्लोज करके, सब कुछ क्लोज हो गया। अभी यहाँ विंटर्स में कोई नहीं आता है। पानी इन कैनों में लाते हैं। हाँ, पानी पानी इनमें कहाँ से लाते हो? वो जहाँ पे मिनिस्ट्री देखिएगा। हाँ हाँ, मिनिस्ट्री के साथ से पानी भर के लाते हो वहाँ से? अच्छा, आते हो यहाँ पे बर्फ बन जाता है वो? बन जाता है। हाँ, आते आते भी बन जाता है कई बार। और टॉयलेट में भी पानी डालेंगे नीचे ना? अच्छा, और ऊपर से पोछा मारने लगेंगे। हाँ, तो बर्फ हो जाएगा, वो जम जाएगा। अच्छा, ये देखो पोछा, ये हमारा पोछा है। ये पोछा जमा हुआ है? ये जमा है। ये पत्थर हो गया? ये पत्थर हो गया। अरे यार, ये टेम्परेचर क्या है इसमें? ये तो सर ऐसे ही है। अच्छा, ये खराब है। अच्छा, और टाइम हो रहा है अभी 4:45। इसमें नल से पानी आ रहा है? नहीं सर, नल जाम हो जाता है। किसी भी नल से पानी नहीं आ रहा है? किसी भी नल से पानी नहीं आ रहा। अच्छा, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये पूरा बर्फ ही बर्फ है होटल के पास, और बहुत तेज हवा चल रही है। थोड़ी देर पहले -8 था टेम्परेचर, अभी -10 हो गया है। ये दूसरे रूम में टॉयलेट देखने जा रहे हैं। फ्लश जम गया है, ये फ्लश है और ये फ्लश का पानी जो है नीचे जम गया है। भैया ये खुलेगा कैसे, सुबह कैसे, क्या होगा? हाँ, किधर? बकेट में, ये बकेट में पानी रखा था, ये जम गया, पूरी तरह से जमा हुआ है। मतलब सुसु पॉटी कहीं भी जाने से पहले हमें भैया को याद करना पड़ेगा। ये भैया हमें गर्म पानी देंगे तो हम सुसु जाएंगे, तो हम पॉटी जाएंगे। ये कंडीशन है, बहुत लाइफ टफ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इसी टफ लाइफ को मैं दिखाना था और देखना था। ठंड की एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। कमरे में है हम लोग, होटल रूम में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाथरूम में जो पानी गिरा है, या हमसे गिर गया, किसी और से गिर गया, वो तुरंत भर में वो जम जा रहा है। ये देखिए, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये सब जम गए हैं, और इसके बाद ये स्लिपरी हो जा रहा है। हाँ, एक्सट्रीम स्थिति देख रहे हैं आप। अभी यहाँ का टेम्परेचर -15 है और रात में -25 जाएगा, जो हमने अभी मोबाइल पे ऐप के थ्रू देखा है। मैं नीचे जा रहा हूँ आपको यहाँ पर। अब देखो, जैसे मैं कमरे से बाहर निकल के इस जगह पे आ रहा हूँ, बहुत तेज़ ठंडी हवा आ रही है। और मैं आपको बताऊँ कि हम जो लैंड के लोग हैं, मैं तो और राजस्थान में रहता हूँ, हम जैसे लोग जो हैं यहाँ पे बहुत अलग टाइप की ठंड लग रही है। हाथ जो हैं बिल्कुल सुन्न हो गए, और बात करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण सीढ़ियाँ तेज़ तेज़ चढ़ जा रहे हैं, ध्यान नहीं रहता है।
अचानक से सांस उखड़ने लग जाती है। मैं नीचे जा रहा हूँ, कुछ यहाँ के लोग बैठे हैं, यहाँ के कंडीशन के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। आवाज़ की दिक्कत हो सकती है क्योंकि बगल में जनरेटर चल रहा है, पिछले दो रात से यहाँ पे बिजली नहीं है। आज हम लोग क्योंकि यहाँ पे हैं इसलिए जनरेटर चलाया है ताकि मैं अपना गैजेट्स जो है वो चार्ज कर सकूँ। अगर आप लास्ट एपिसोड देखा हो तो मैंने उसे बोला था कि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो पता नहीं मैं गैजेट्स चार्ज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो गैजेट्स तो मेरे चलो सब चार्ज हो रहे हैं, बाकी हो जाएंगे। यहाँ आग जल रही है, मैं यहाँ चलता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ। बाहर भी स्नो है काफ़ी ज़्यादा, स्नोफॉल के प्रेडिक्शंस तो हैं, होगा तो भी नहीं होगा तो भी, वो तो अलग की बात है। मैं चाहता नहीं हूँ कि स्नोफॉल हो, क्योंकि स्नोफॉल होने से फिर रोड बंद हो जाएंगे और हम यहीं फंस जाएंगे। तो एक बार आग के पास चलते हैं, फिर यहाँ बात करते हैं। अच्छा भैया यहाँ पे दो मिनट आग के पास हैं। ये भैया जो है कहाँ से भैया? मंडी से। मंडी से है और यहाँ पे हेयर सैलून है आपका? हेयर सैलून है। तो भैया आप क्या बता रहे थे, कैसे यहाँ पे कैसे रहता है, कैसे सर्वाइव करते हैं आप लोग, मतलब कब तक चलता है आपका हेयर सैलून? हेयर सैलून हमारा दिसंबर तक। दिसंबर तक? दिसंबर लास्ट में क्लोज कर देंगे आप? क्या रीज़न, क्या क्यों क्लोज कर देंगे? पानी तो अभी जम रहा है। अच्छा अच्छा, अभी का जो टेम्परेचर मैंने देखा -15 है। -40 होते हैं ठंड में जनवरी में। अच्छा तो ये रास्ता तो पूरा ब्लॉक हो जाता होगा। छोटी गाड़ी चलती है, चेन रख के चलती है, स्नो चेन वाला जो होता है वही चलता है। अच्छा 4x4 हो गया, जिप्सी हो गया। हाँ बसें तो अभी चल रही, नहीं चल रही है? बसें भी चल रही हैं। अच्छा अच्छा, शिमला कैसे चल रहा है अभी? हाँ जैसे रोड टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हाँ जम जाएगा, हाँ बस स्टार्ट नहीं होती है। बस स्टार्ट नहीं होती है तो मैंने भी अपनी गाड़ी जो है ऑन रखी है। हाँ क्योंकि दो तीन बार स्टार्ट करना पड़ता। नहीं मैं तो ऑन ही छोड़ दिया इसको, अब सुबह सुबह निकलेंगे तो हम लोग निकालेंगे। सेफ तो है ना, गाड़ी ऑन है तो यहाँ से कुछ नहीं है। हाँ लगेगा लगेगा, 3 लीटर लग जाए, 4 लीटर जाए, 400-500 का तेल लग जाएगा। लगी भाई दो तीन चीज़ें बताओ मुझे। मुझे एक सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ खेती क्या होती है? खेती सर इधर चलती है जून जुलाई अगस्त में, मटर की। मटर की जून जुलाई अगस्त में? आलू मटर बढ़िया होता है यहाँ। अच्छा, अब पूरी स्पीति में क्या पॉपुलेशन क्या होगा यहाँ पे? पॉपुलेशन 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार है पूरी स्पीति में? यहाँ जो पॉपुलेशन है पूरी है ना, इनका मेन काम क्या होता है? मेन काम ये खेती बाड़ी करते हैं और नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं सारे यहाँ पे। तो ये काजा में कितने लोग रहते होंगे? काजा में 250 लोग रहते हैं यहाँ पे काजा में। जैसे अभी दिसंबर का महीना है, ठंड का समय है, तो क्या इसमें लोग काजा आते हैं? काजा आते रहते हैं, पर काजा में भी वही आदमी आएंगे जो पागल होंगे। पागल है मतलब हम पागल है? ठंड के मारे। अच्छा तो आप लोग भी क्या नीचे चले जाते हो क्या ठंड में? मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अभी का खाना। खाना बनाते हुए दिखा तो नहीं पाया आपका आपको, लेकिन ये गरम गरम दाल, ये गरम सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, ये मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। ये इनका रिसेप्शन एरिया है और ये समवेयर कहीं पे, ये इधर इधर ये इनका किचन एरिया है इस तरफ, वो किचन का दरवाज़ा बंद है और यहीं पर इन लोगों ने टेबल लगा दिया है हमारे लिए और यहीं पर खा रहे हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ से किचन से बना के अगर ये ऊपर 2 फ्लोर पर लेके जाएंगे तो खाना पूरा ठंडा हो जाएगा, और मतलब ठंडा खाना हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा कि आप बिल्कुल मतलब वो कोई मज़े वाली बात नहीं रहेगी। तो मैंने ही बोला कि भाई साहब यहीं पे खाना लगाओ, यहीं पे बनाओ, यहीं पे लगाओ और यहीं पे हम खाना खाते हैं। तो मैं जल्दी से खाना खाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे वापस, फिर इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अरुण भाई है और ये अरुण भाई हमारे को भी खाना इन्होंने खिलाया, हाले खाना तो अभी मैं अभी मिलवाऊंगा वापस से, है ना, क्या नाम है, ललन, ललन खाना बनाते हैं। अरुण भाई भी हमारी मतलब मदद कर रहे हैं और यहाँ की जानकारी दे रहे हैं, है ना। अरुण भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे आने का सबसे अच्छा समय जो है बरसात में, नीचे बरसात हो रही है, ऊपर जो यहाँ बारिश होती ही नहीं है, सिर्फ यहाँ सिर्फ स्नोफॉल का ही प्रॉब्लम है, बाकी और बरसात बरसात का कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं एक बार किचन में आ जाओ भैया, अलाउ कर रहे हैं मुझे, हेलो किचन में आ जाओ। ठीक है मैं किचन दिखाता हूँ भैया का, किचन कैसा है? ये भैया का किचन है, ऑलमोस्ट सारे सामान जो भी है वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे नॉर्मली घरों में रखा होता है। हमारे किचन में जैसा जिस तरह का चीज़ें होती है, सारी चीज़ें होती है, वही है इनके किचन में। और ये पानी एक समय में हमेशा यहाँ गर्म होता ही रहता है,
है ना। ये ललन भैया हैं, इन्होंने हमें दाल तड़का और आलू गोभी की सब्जी बहुत ही शानदार बना के खिलाई। हम तो मतलब जम के खा गए, आपको दिखा भी नहीं पाए कि खाना कैसे खा रहे हैं, क्या है टेस्ट, क्योंकि अच्छा बहुत लगा, गरम गरम खा भी रहे थे ना, बहुत अच्छा लगा ऐसे हमारे को। पॉटी करने बाहर जाए, यहाँ नहीं करे, बाहर जाने पड़ना, वही ठीक रहेगा, यहाँ तो फट जाएगी, सारे जमा हुआ इलेक्ट्रिक। हाँ, वो तो जमा हुआ है सब कुछ, पोटी पार्टी यहाँ नहीं, पोटी होगी ब्रिज के नीचे, ब्रिज के नीचे वहाँ करे, खुले में जाओ। आते तो सारे पागल है यहाँ पे दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, तो पागलों को तो पागल जैसे ही काम करना पड़ेगा। जाओ दरिया में जाओ फिर, यहाँ तो जम जाएगा सारा है। नहीं भाई साहब, ऐसा तो क्या बोलता है, चुल्लू पर पानी नहीं मिलेगा डूबने के लिए, वॉशरूम एक ही रहेगा बस। हाँ, वॉशरूम एक ही रहेगा, उसी को यूज करो, बाकी सब बंद। चलो ठीक है, दाल है ये, कैसा दाल है ये, मसर वाला है, मतलब दाल क्या इसको बॉईल करके रखा क्या इसके? अच्छा, बॉईल करके फिर ये आपने दाल बनाई इधर तड़का इधर? अच्छा अच्छा, इधर दूध गर्म हो रहा है, चलो ठीक है। ये आलू गर्म बॉईल किया हुआ आपने? अरे गोलू भाई, सारी बातें हो गई, आपके होटल का नाम क्या है? मंडाला। मंडाला होटल, लोकेशन तो बता दो कोई अगर आना चाहे, हमारे सब्सक्राइबर कोई, हमारे व्यूअर्स। नियर SBI बैंक। और ये और क्या है आसपास, और कुछ? बस स्टैंड कहाँ पे है? बस स्टैंड भी साथ ही है। ये बाजार में ही है ना? बिल्कुल बाजार में ही है, यहाँ पे सुविधा है, एक चीज की है, हर चीज की सुविधा है। वो तो देख ही रहा है, गरम गरम खाना बना खिला रहे हो, पार्किंग खुली है, हाँ, सब लोग अच्छे हैं, सेवा फुल भी लेके। नहीं वो तो हम एंजॉय कर रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं, तो देख ही रहे, घर की तरह बैठे हैं सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं सोचता कि कोई टूरिस्ट आ रहा है। ना ना बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मैं टूरिस्ट हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि मैं भी भाई की तरह मतलब कर रहा हूँ, भाई लोग मुझे भाई की तरह इज्जत भी दे रहे हैं यार। बोलो भाई, बस ये बता दो, बाहर गाड़ी तो सेफ है ना, रात भर ऑन है, गेट खुले में, सब है, सेफ है, पूरी तरह सेफ है, नहीं पूरी रात ही रखेंगे हम, रिस्क लेना ही नहीं है हमारे को, रिस्क लेना ही नहीं है यार, काय को रिस्क ले, यहाँ पर इतनी बर्फ जमी है यार, -17 -18 -25 जाना है रात को, टेम्परेचर रख लो, नहीं तो ऐसा करो अभी बंद कर दो, जब आप सोना है, हम सोने जा रहे हैं, हम तो गाड़ी ऑन ही रखेंगे यार, हम रिस्क लेना ही नहीं है हमारे को, ठीक है ना। तो बड़ा ही लोकल सा रॉ सा, एक तो यार यहाँ जनरेटर चल रहा है, जनरेटर में ना कोई आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि लाइट है ही नहीं है, बता रहे दो दिन से कोई लाइट नहीं है, जब से बर्फ या सब जमना शुरू हुआ है तो लाइट ही नहीं है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई साहब ऐसा है कि मैं बैठा हूँ अपनी कार में और बाहर हर तरफ स्नो है, अगर जहाँ स्नो नहीं है वहाँ आइस है, कोई भी पानी कहीं फर्श पर भी अगर पानी गिर रहा है तो वो स्लिपरी हो जा रहा है, क्योंकि वो जम जा रहा है तुरंत। और ये आपने बड़ा लोकल सा रॉ सा वीडियो देखा होगा, खाना खाया तुरंत तो डकार सी आ रही है, बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ पे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे जैसे आप मैदानों से ऊपर पहाड़ों पे आते हो, लोग बड़े प्यारे हो जाते हैं, सब बड़े मिलनसार हैं, अच्छे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, शायद मैं बात कर रहा हूँ इसलिए या वो बात कर रहे हैं इसलिए, लेकिन हम लोगों की अच्छी दोस्ती, अच्छी ट्यूरिंग हो रही है। कल सुबह वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में, इस पर्टिकुलर एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने। जैसा कि आपने सुना होगा कि गाड़ी रात भर ऑन रहेगी हमारी, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि रात में यहाँ का टेम्परेचर जाएगा -25 टेम्परेचर में, क्या होगा नहीं होगा, फिर सुबह गाड़ी स्टार्ट होगी, क्योंकि सुबह हमें 9 बजे निकलना है चीचम ब्रिज के लिए, चीचम ब्रिज भी जाएंगे और लौटते समय हम लोग अगर हुआ तो एक दो जगह और हमारे हमने रखा हुआ है वहां भी जाएंगे, और फिर हम लोग सेकेंड हाफ में हमारा को यहां से निकलना है। ठंड का आलम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, लेकिन एक बात है कि ऐसे सिचुएशन पे भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि बता रहे थे भैया कि वो मतलब दिसंबर खत्म होते होते जनवरी तक यहाँ से वो भी चले जाएंगे, और लोकल्स जो हैं, बहुत कम लोकल्स जो हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं, और वो इस पर्टिकुलर टेरेन में रहने के लिए वो आदि होते हैं और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, और वो ये मान के चलते हैं कि 3 महीने घर से बाहर कहीं नहीं निकलना, निकलना है तो बहुत थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं जाना है, बाकी यहीं रहना है, क्योंकि दुनिया से ये जगह कट जाएगी, काजा जो है बाकी नॉर्मल हिंदुस्तान से वो कट जाएगा, क्योंकि आगे इतनी ज्यादा बर्फ गिर जाती है कि जाना आना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को जाना भी है तो फिर वो स्नो चेन लगा के फिर वो लोग जाते हैं छोटी गाड़ियों से, जैसा कि भैया बता रहे थे। तो आज के ब्लॉग को मैं करता हूं यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूं रोड रनर टाइगर आपने अब तक सब्सक्राइब जरूर किया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
मैं एक्सट्रीम विंटर्स में एक्सट्रीम लोकेशन पे हूँ, एक्सट्रीम समर्स में एक्सट्रीम समर वाली लोकेशन पे जाऊँगा, और ये लाइट चली गई बाहर, बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब मैं ऊपर कैसे जाऊँगा मुझे नहीं मालूम, शायद जनरेटर बंद कर दिया, क्या कर दिया। मेरे लिए चिंता उसकी नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पे बार बार टेम्परेचर कम होने के कारण सारे डिवाइसेस जितने भी हैं वो सारे ख़त्म हो जा रहे हैं, उनका चार्ज ख़त्म हो जा रहा है, और मुझे इनको चार्ज करके रखना है तभी मैं शूट कर पाऊँगा। तो बता दिया मैंने, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।